तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी स्पोर्ट्स। तो आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है एटी के मोहन बगान में 2020-21 सीजन में खेलने वाले सभी फॉरेन प्लेयरों के बारे में। अगर आप इन्फिनिटी स्पोर्ट्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी रोक टोक के सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, इंट्रो कैसा था भाई? अगर इंट्रो अच्छा लगे तो लाइक जरूर मार देना एक, ठीक है? और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप उसके ऊपर आते हैं। तो एटी के मोहन बगान 2020-21 में पहली बार मैदान पे उतरेंगे आईएसएल में एक साथ। तो दोस्तों, इस टीम के सबसे पहले जो फॉरेन प्लेयर साइन हुए थे, कॉन्फर्म हुए थे इस सीजन के लिए, वो है जावी हर्नांडेज, जिन्होंने स्पेन के तरफ से खेलते थे। मतलब स्पेन के टीम से नहीं, स्पेन में रहते हैं और इनका उम्र है 30 साल। ये मिडफील्डर है, इन्होंने 2019-20 आईएसएल सीजन में 20 मैच खेले और 2 गोल भी दाग दिए। इनका मेन पोजीशन है अटैकिंग मिडफील्डर। इसके बाद आते हैं दूसरा प्लेयर जो बिलोंग करते हैं आयरलैंड से। दोस्तों, आयरलैंड से बिलोंग करते हैं तो अच्छा ही होगा ना। इनका उम्र है 27 साल, इन्होंने खेले हैं 2019-20 आईएसएल सीजन में सिर्फ 6 मैच, लेकिन एक गोल भी दागा था उनमें से। तो दोस्तों, इनका नाम है कार्ल मैकह्यू। तो दोस्तों, इनका जो पोजीशन है वो डिफेंसिव मिडफील्डर के साथ साथ लेफ्ट बैक और सेंट्रल बैक सभी पोजीशन में खेल सकते हैं। बहुत अच्छे प्लेयर है, 27 साल उम्र में इतना ज्यादा अचीवमेंट कर लिया, मतलब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो प्लेयर आते हैं वो मेनली बिलोंग करते हैं उस देश से जो देश हमारे ऊपर 200 साल शासन करके गए हैं। यार वो इंग्लैंड है। कितनी बार बोलू, थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ लिया करो। तो दोस्तों, इसका उम्र है 31 साल और मेनली खेलते हैं जिस पोजीशन में, वो है सेंट्रल बैक। बहुत थोपते हैं भाई। और इन्होंने 2018 से अब तक सिर्फ 18 मैच खेले हैं एटीके तरफ से, और उस 18 मैचों में एक गोल भी कर दिया है। तो अच्छे प्लेयर है, इससे पहले भी वो बेंगलुरु एफसी जैसे बड़े टीमों के तरफ से खेलते थे। तो दोस्तों, ये था तीसरा कॉन्फर्म फॉरेन प्लेयर। इसके बाद आते हैं चौथे जो प्लेयर को कॉन्फर्म किए हैं, वो दोस्तों है एडू गार्सिया। तो दोस्तों, एडू गार्सिया को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी मिल गया है। यार क्यों नहीं मिलेगा, 22 मैचों में 9 गोल जो दाग दिए। और दोस्तों, इनका उम्र है सिर्फ 30 साल। 30 साल ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा ज्यादा ही है। और इनका मेन जो पोजीशन है वो विंगर और अटैकिंग मिडफील्डर दोनों पोजीशन में खेलते हैं। तो दोस्तों, ये था चौथे प्लेयर जो एटीके मोहन बगान टीम के लिए कॉन्फर्म हुए हैं। पांचवे नंबर पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करने वाले डेविड विलियम्स। तो दोस्तों, ये एएफसी वीजा के, मतलब एएफसी का जो कोटा है उनके अंदर पढ़ते हैं ये प्लेयर, जिनका नाम है डेविड विलियम्स। तो दोस्तों, इन्होंने तो पूरा धमाल मचा दिया था 2019-20 आईएसएल सीजन में। इनका उम्र है 32 साल, इन्होंने टोटल मैच खेले हैं 17 एटीके के तरफ से और उन 17 मैचों में 7 गोल दाग दिए। ये मेनली तो खेलते हैं फॉरवर्ड डिपार्टमेंट में, लेकिन ये विंगर भी हो सकते हैं। कभी कभी हमने देखा है ये विंगर पोजीशन में भी खेल सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब छठे नंबर पे, हाँ बता रहा हूँ, हाँ रॉय कृष्णा भी है, हाँ छठे नंबर पे है। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे भाई, इतनी भी जल्दी क्या है, वो साइन कर लेंगे। रॉय कृष्णा बिलोंग करते हैं फिजी से, उनका उम्र है 32 साल। उन्होंने 2019-20 आईएसएल सीजन में तो पूरा आग लगा दिया था भाई, 21 मैचों में 15 गोल ठोक दिया। उनका जो पोजीशन है मेनली वो तो स्ट्राइकर है, लेकिन मुझे तो वो जब भी मैदान पे उतरते हैं, ओ भाई गॉड क्या खेलते हैं भाई। तो दोस्तों, मेनली तो 6 प्लेयर तो कंफर्म हो चुके हैं एटी के मोहन बगान के नए टीम के लिए, मतलब फॉरेन प्लेयर। हाँ, और एक ही स्लॉट सिर्फ बाकी है, मतलब खाली है, और उस स्लॉट में तो भर भर के प्लेयर लोग नाम सजेस्ट कर रहे हैं, भाई इसको ले लो, उसको ले लो। अरे कोई तो कह दे ज्लाटन इब्राहिमोविच को भी ले लो, अरे भाई कुछ भी यार। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से जो आता है सातवें नंबर में सबसे ज्यादा सुटेबल करता है, वो है मोहन बगान के तरफ से आई लीग में खेलने वाले फान गोंसाल्विस। हाँ भाई, वो स्पेन से आने वाला बंदा जिसने 31 साल की उम्र में 13 मैच में 10 गोल दाग दिए। दोस्तों, वो तो मेनली डिफेंसिव मिडफील्डर है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो शायद सभी पोजीशन में खेल सकते हैं। अगर गोलकीपिंग में ग्लास पहना तो शायद 2-4 सेव भी कर दे। तो दोस्तों, इसके साथ और एक प्लेयर है जिसको शायद थोड़ा सा ज्यादा चांसेस मिल सकता है, वो है आगोस गार्सिया। हाँ दोस्तों, वही आगोस गार्सिया जिन्होंने एटीके टीम को ज्यादा मजबूती दी अपने डिफेंस लाइनअप पे। हाँ दोस्तों, 35 साल के हो गए तो क्या हुआ, उन्होंने 14 मैच खेले, क्या खेले बखूबी। उनका जो डिफेंसिव स्टाइल है वो तो मैं तो फिदाई हो गया था। इनका मेनली जो पोजीशन है वो सेंट्रल बैक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये क्या चांस मिलेगा इनको नेक्स्ट आईएसएल सीजन में? तो दोस्तों, इसके बाद भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिनका नाम आ रहा है,
है, लेकिन मुझे तो सिर्फ इन आठों नामों में से ही लगता है कोई सात प्लेयर आएंगे एटीके टीम में और आ भी सकते हैं बाहर से। मुझे क्या पता है, मैं एक थोड़ी ना एटीके टीम के साथ बैठा हूँ जो फॉरेन प्लेयर सिलेक्शन कमिटी में। अगर मैं होता तो मैं इन आठों में से सात को सिलेक्ट कर लेता, लेकिन मुझे लगता है आप लोग भी होंगे एटीके मोहन बगान के फॉरेन जो स्क्वाड डिस्कशन होता है, आप में से भी कोई होंगे जो डिस्कस करके नया वो एक फॉरेनर दे सकते हैं इन टीम में। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, इन सभी फॉरेनर में से ऐसा कौन सा फॉरेनर है जिसको नहीं होना चाहिए था इस टीम में, और कौन सा ऐसा फॉरेनर है जिसको इस टीम में होना चाहिए था? तो दोस्तों कमेंट करो ना, जाओ जाके कमेंट करके बताओ मुझे। मुझे कैसे पता चलेगा आपको कौन सा फॉरेनर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वो जरा मैंने हटके बनाया है, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। अरे भाई बहुत ज्यादा मेहनत किया है इस वीडियो के लिए, तो लाइक जरूर कर देना ठीक है, और इसके साथ साथ कमेंट्स कर दो यार इसमें तुम्हारा क्या जाता है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब तो फ्री है, वो करने में क्या आ जाता है भाई, बच्चे का भला हो जाएगा। थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन में जाओ, दबाओ उसको जोर जोर से दबाओ, और हाँ सब्सक्राइब कर दो, मुझे भी चाहिए 20,000-30,000 सब्सक्राइबर। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नया कोई और अगर इंटरेस्टिंग वीडियो आता है ना, मतलब स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई। हाँ तुम जैसे लोगों के लेके कोई काम धंधा नहीं होता है, सिर्फ गंदे सोच। अगर नया कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो आता है ना तो मैं अपलोड कर दूंगा ना मेरे स्टाइल में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ मजेदार वीडियो के साथ।